उसको पहले आईडी कर, दूसरे की फोटो होने नहीं देते। अरे तो मेरी कौन सी खींची? मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ खींची? साइड हो गया आगे, किसने आ गया दूसरे की? जो काम जरूरी वो नहीं हो पाएगा, पहले आपने चला दो, पहले आईडी पहले दी है। बचो चाची बचो, आजा इस वक्त आपको क्या आ जाओ पकड़ो ना भैया, बिल्कुल सुबलेश भैया जोर से बोल भैया, क्या कर रहे हो अध्यक्ष जी? बोलिए। आज की जो उम्मीदें थी इन सरकारों से, उस पर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, और सबसे ज्यादा अगर खराब स्थिति किसी चीज की है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आज कानून व्यवस्था की है। पूरी तरह से जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसी को जवाब देने के लिए जनता ने गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। साथ ही माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए थे, उन कामों पर भी मोहर लगाने का काम किया। 2019 का चुनाव सर पे इस तरीके से देखते हैं, चाहे फूलपुर के उपचुनाव के नतीजे की बात हो, चाहे गोरखपुर के उपचुनाव के नतीजे की बात हो, चाहे देश में अन्य जगह जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए हैं वहाँ के नतीजों की अगर हम लोग गौर करें, तो उन नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि देश में जब 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, और निश्चित रूप से जो आज विपक्ष में है वो दल मिलकर सरकार बनाने का काम करेगी।